हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आज हम 16 नवंबर 2019 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसको आपको नोट करते हुए चलना है, और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना होगा। इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा। आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आज एक वीडियो अपलोड किया गया था, नई शुरुआत, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और उसमें ये भी बताया गया है कि अब हमारे चैनल पर कौन कौन से वीडियो आने वाले हैं। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो आपसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछा गया था। क्वेश्चन था, 2020 में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रपतियों की बैठक की मेजबानी कौन देश करेगा? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, भारत। भारत 2020 में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों होगा, यहाँ पर राष्ट्र प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। अब आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नाडू नेडू योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने नाडू नेडू कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में पहली से लेकर छठी कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू करना है। इस योजना को पहले चरण में 715 स्कूलों में लागू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 3 सालों में 12,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ सभी स्कूलों को कवर किया जाएगा। सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय समाज के हासियत के बाद तबके के उत्थान के लिए किया गया है। अब यह योजना शुरू की जा रही है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानने के लिए हम भारत का मैप देखते हैं। देखिए, यह है भारत का मैप और इसमें आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सीमा तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से लगती है। यहाँ की कैपिटल है अमरावती और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद, यहाँ के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। आंध्र प्रदेश जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 992 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर है 67.02%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 74.88% और महिला साक्षरता दर है 59.15%। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज ने भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत बताया है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 5.6%। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 5.6% कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा किए गए प्रयास खपत की मांग में व्यापक कमजोरी को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो वृद्धि के पूर्वानुमान को घटाने का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसने इनमें से यह भी कहा गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि 2020 में 6.6% और 2021 में 6.7% तक बढ़ जाएगी। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई सर्विस युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, अमेरिका। भारत अमेरिका द्विपक्षीय रक्षा संबंध मजबूत करने की दिशा में ट्राई सर्विस युद्धाभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में प्रारंभ हो गया है। ट्राई सर्विस युद्धाभ्यास विशाखापट्टनम और काकीनाडा तटों पर 9 दिनों तक चलेगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम अमेरिका और भारत की सेनाओं के बीच संबंधों को बढ़ाएगा और मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में व्यक्तिगत और छोटी इकाइयों के हुनर को बढ़ावा देंगे। इस तरह के युद्धाभ्यास से अमेरिका और भारतीय प्रतिभागियों की क्षमता के निर्माण के साथ साथ मिलकर काम करने की उनकी क्षमता में सुधार की संभावना को भी व्यक्त करेगा। अब ये युद्धाभ्यास हो रहा है अमेरिका के साथ, तो अमेरिका के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इसमें अमेरिका, ये है अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम साहनी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नीलम साहनी को आंध्र प्रदेश की मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। वह आंध्र प्रदेश की मुख्य सचिव बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। वह आंध्र प्रदेश कैडर की 1984 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। वह वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव नीरव कुमार की जगह लेंगी, जो राज्य के अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। और इस क्वेश्चन में आंध्र प्रदेश के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस वीडियो में बताए जा चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी विश्व कप 2019 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, पंजाब। विश्व कबड्डी कप का आयोजन पंजाब में 1 से 9 दिसंबर तक पंजाब सरकार द्वारा किया जाएगा। इस साल का टूर्नामेंट सिख गुरु गुरु नानक देव की 550वीं जयंती को समर्पित होगा। इसमें 9 टीमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, केन्या, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और कनाडा के टूर्नामेंट में भाग लेने की संभावना है। अब ये आयोजित हो रहा है पंजाब में, तो पंजाब के बारे में जानने के लिए भारत का मैप देखते हैं। देखिए ये है भारत का मैप और इसमें पंजाब, ये है पंजाब। पंजाब की सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान राज्यों से लगती है। यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। पंजाब के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। पंजाब जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 16वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 893 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर है 75.84%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 80.44% और महिला साक्षरता दर है 70.73%। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस ब्रेवरी रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार दक्षिण एशिया में कौन सा देश रिश्वत लेने में रिस्क में सबसे ऊपर है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, बांग्लादेश। ट्रेस ब्रेवरी रिस्क मैट्रिक्स प्रत्येक वर्ष जारी की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सूची है। इस वर्ष इसमें 200 देशों की सूची जारी की गई है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश में सबसे अधिक रिश्वत का खतरा मौजूद है। बांग्लादेश को 178वां स्थान मिला है, जबकि भारत को सिर्फ 78वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में जिस देश को सबसे अधिक रैंकिंग दी गई है वह सबसे अधिक प्रभावी देश है। इसमें न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है और सोमालिया 200वें स्थान पर है, यानी सबसे नीचे है सोमालिया और सबसे पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड। इस क्वेश्चन में बांग्लादेश, बांग्लादेश के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इसमें बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन ने किस देश के साथ हुए 25 वर्ष पुराने शांति संधि के प्रावधान का अंत कर दिया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, इसराइल। जॉर्डन तथा इसराइल के बीच 26 अक्टूबर 1994 में एक संधि हुई थी, जिसके द्वारा दोनों देशों के मध्य स्थित सीमावर्ती क्षेत्र बखूरा तथा अलघमर के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। बखूरा तथा अलघमर के क्षेत्र पर जॉर्डन की प्रभुसत्ता बनी रहेगी, परंतु इजराइल को इस क्षेत्र के निजी उपयोग का अधिकार प्राप्त होगा। अब इस क्वेश्चन में दो देशों की बात हो रही है, जॉर्डन और
इजराइल, दोनों के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप, ये है वर्ल्ड मैप और इसमें इजराइल, ये है इजराइल, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, यहाँ की करेंसी है न्यू सेकेल, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रोइलिन रिवलिन, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। दूसरा देश है हमारा जॉर्डन, जॉर्डन की करेंसी है दिनार, कैपिटल है ओमान और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला द्वितीय। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 में किए जाने वाले विकास कार्यों में किस देश ने 1,35,00,000 डॉलर का सहायता सहयोग देने का संकल्प जताया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन भारत। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के सलाहकार अंजनी कुमार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के विकास कार्यों के संकल्प सम्मेलन में भारत के इस पेशकश की घोषणा की है। भारत फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को 50,00,000 अमेरिकी डॉलर और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए 45,00,000 अमेरिकी डॉलर का सहयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी का नाम टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन दूती चंद। भारतीय एथलीट दूती चंद को टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह सूची दुनिया की सबसे प्रभावी 100 व्यक्तियों की सूची के विस्तार के अंतर्गत शुरू की गई है। इनमें उन लोगों को शामिल किया गया है जो व्यवसाय, मनोरंजन, खेल, राजनीति, स्वास्थ्य और विज्ञान में भविष्य बनाने को तैयार हैं। दूती चंद ने जकार्ता एशियाई खेलों में 100 मीटर और 200 मीटर स्पर्धा में एक-एक रजत पदक जीते थे। वे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलों के 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा कब से कब तक यूनेस्को हेरिटेज वीक मनाए जाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 19 से 25 नवंबर। वर्ष 2019 में विश्व धरोहर सप्ताह 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाएगा। इसके लिए पुरातत्व विभाग द्वारा खास कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जैसे कि प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, ऐतिहासिक वस्तुओं के महत्व पर भाषण, निबंध लेखन आदि। अब आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है, क्वेश्चन है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? इसके जो ऑप्शंस हैं 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर और 15 नवंबर। ये आज के यानी कि 16 नवंबर 2019 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।